भी दिखाया हूँ अपने ब्लॉग में, और वो देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग आपको नदी किनारे नहाते हुए दिखाएंगे, और वहाँ पे चिताएं देखिए जल रही वहाँ पे जो उस साइड दिख रहा है, और कुछ लोग लग रहा है कि जो सूर्य वो नदी में से निकल रहा है आप देख सकते हैं, हालांकि देख सकते हैं ऊपर के साइड सूर्य वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देख लीजिए चारों तरफ से नज़ारा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो, और कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी मैं अपने गाँव में नहीं हूँ, एक दूसरे गाँव में वाराणसी काशी के आया हूँ। तो ये रामेश्वर गाँव है और ये सदियों पुराना गाँव है जो है, और इस गांव की बहुत ही ज़्यादा खासियत है, यहाँ पे भगवान राम और भगवान शिव स्वयं यहाँ पर आए थे, और यहाँ से 84 कोसों की जो यात्रा होती है वो प्रारंभ होती है। तो इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं, कुछ दिनों में बहुत ही बेहतर हुआ है, और कुछ दिनों में ऐसा बताया गया कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक जो है उसमें इसका नाम दर्ज हुआ है, इस गाँव का। रामेश्वर जो गाँव है ये वर्ल्ड का जो 8वां गाँव, सबसे पुराना गाँव है ये वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश में है। तो इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं, अभी मैं ऊपर हूँ, और ये जो नदी दिख रही है गाइस ये वरुणा नदी है, और इधर का नज़ारा देखिए कितना प्यारा है, और पूरा लास्ट तक देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, पूरा देख लीजिए। अभी तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पुल है, अभी कुछ दिन पहले ये पुल का निर्माण हुआ है, नहीं तो गाइस उस साइड वो देख सकते हैं वहाँ लास्ट दिख रहा है, उस साइड वहाँ से लोग आते जाते थे, एक छोटा सा पुल था, और अभी नीचे जाना पड़ेगा तो हम दिखाएँगे इसका नज़ारा कैसा है। और आप देख सकते हैं ये जो है इस साइड, और इस साइड हमारे देखिए इस साइड का भी नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा आपको दिख रहा है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को नीचे ले चल कर भी दिखाते हैं इसका नज़ारा। ये रामेश्वर है जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इसका नाम दर्ज हुआ है, 8वां गाँव है जो सबसे पुराना गाँव के नाम पर दर्ज हुआ है। तो ले चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आपको नीचे ले चल के मस्त नज़ारा एकदम दिखाएंगे। तो चलते हैं लेकर, देखते हैं किधर से उतरते हैं, तो अभी रोड पे है तो थोड़ा रास्ता उसको देख कर भी चलना पड़ेगा। वीडियो को एंड करना, वॉच करना लास्ट तक, मज़ा आएगा आपको। तो उतरने के लिए गाइस देख सकते हैं नीचे जाना पड़ेगा, उस साइड से मैं देखता हूँ किधर से जाना है हमको, निकल के हम मैं आपको दिखाता हूँ इधर का नज़ारा देखिए। और ये गाँव ही है, और इतना सुंदर गाँव है जो इंडिया के उत्तर प्रदेश वाराणसी के काशी में है, बाबा विश्वनाथ की नगरी ऐसा कहा जाता है कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। तो गाइस ये देख सकते हैं इधर से मैं शॉर्टकट अपनाया हूँ, जैसे मैं नीचे से घूमकर वहाँ से जाना पड़ेगा उस साइड से, पूरा उधर से रास्ता बना है, अभी बन रहा है, तो अभी इधर से मैं उतर जाता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम हुआ है लेकिन उतर जाएंगे। इधर का सिस्टम ऐसा ही है गाँव का, जानते ही हैं जो गाँव के लोग रहते हैं, हर तरह से सोचते हैं कहीं से सिस्टम सही हो जाए। और देखिए हम उतर के आ गए हैं, और जो रास्ता बता रहे हैं वो सही से आता है। तो ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं रामेश्वर जो है सदियों पुराना गांव जो है उसका दृश्य, नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है, और ये जो नदी है उसको मैं दिखाता हूँ, और आसपास का नज़ारा देखिए कितना प्यारा, कुछ दिनों से ये हो गया है। तो गाइस फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ, और देखिए जहाँ वो रोड दिख रहा था, जो पुल पे रोड पे मैं खड़ा था वो ऊपर है इस साइड देख सकते हैं वहाँ पे, वहाँ से मैं नीचे आया, और जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है घाट का वो देखिए कितना सुंदर हो रहा है, चारों तरफ से आप देख लीजिए पहले कितना सुंदर हो रहा है, इस साइड देख सकते हैं ये कितना सुंदर है, और आप इस साइड भी देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये पीछे साइड जो इधर से मैं आया हूँ उधर का नज़ारा था, तो अभी ले चलते हैं उधर भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं ये नज़ारा इधर का, ये घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है, ये चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। और जो वरुणा नदी है ये नीचे एकदम अभी चला गया, सावन के महीने पे यहाँ पे ये पानी पूरा ऊपर आता है, घाटों पर ये लग जाता है, और इधर लोग नहाते हैं, अभी नया घाट का निर्माण हुआ है, और इतना प्यारा है इधर का नज़ारा, आपको शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, जो कि गांव का ये रामेश्वर वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश इंडिया, आप को बता देता हूँ मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए, ये वहाँ का नज़ारा है, और देख सकते हैं कितना प्यारा है पूरा, ये पूरा गांव जो है एकदम नदी के किनारे बसा हुआ है, पूरा लास्ट तक उधर तक आप जाएंगे ना आपको दिखेगा पूरा, और मैं अपने ब्लॉग में दिखाता हूं आपको कि किधर से कैसा क्या है, और नदी का क्या हालचाल है, जो नदी है देख सकते हैं इस साइड, देखिए पूरा इधर देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है आपको, देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस मैं अभी घूमने आया था इधर, तो मैं दिखा दिया, और इसका जो बहुत ही प्रसिद्ध है जानते ही हैं गांव में, आपको बताया हूँ, आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं रामेश्वर वाराणसी,
और गाइस देखिए मैं एकदम बिल्कुल नीचे घाट पे आ गया हूँ, और ये घाट है और ये वरुणा नदी जो है ये है, और इसका पानी जो अभी आपको स्थिर दिखाई दे रहा होगा कि स्थिर है, लेकिन ये अभी मतलब कि नवंबर दिसंबर के बाद जब मार्च अप्रैल मई जून में आएंगे तो ये पूरा बहता हुआ आपको दिखाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और देख सकते हैं पूरा लास्ट तक ये वाराणसी में, आप बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, पूरा वाराणसी जो मेन जंक्शन वहाँ पर जाएंगे ये वहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और इसके पहले मैं जो एक वरुणा नदी यही थी जो मेरे गांव भथरा में है वहाँ पर मैं दिखाया था वहाँ का नज़ारा, तो यही नदी है। और ये रामेश्वर गांव है जो कि गिनीजा ऑफ वर्ल्ड बुक में इसका नाम है दर्ज हुआ है, सबसे पुराना गाँव और सबसे सुंदर गाँव है जो कि नदी के किनारे बसा हुआ है इंडिया में। तो गाइस मैं फाइनली ऊपर भी आ चुका हूँ, नदी से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, और जो घाट था वो वहाँ पे है, देख सकते हैं वहाँ दूर पे है। और देखिए सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश इस साइड से आता है, ये पश्चिम एरिया लगाता है इस साइड घाट के किनारे उस साइड, और सुबह में जब आएंगे ना तो ये जो पूर्व दिशा है इधर से जब इस पर फोकस मारता है सूर्य तो बहुत ही अच्छा सनशाइन होता है। तो आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा आसपास का, और ये नदी है, और उधर देखिए वो मंदिर भी रामेश्वर की है जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं उस साइड, वो देखिए पुराना वाला पुल भी आपको दिख रहा है उस साइड पे। तो अभी जो पुराना वाला मंदिर है उस साइड हम चल रहे हैं, और ये नदी के किनारे हैं, और यहाँ पे कुछ दूर पे आप जाएंगे लास्ट में तो उधर चिताएँ भी जलाई जाती हैं जो यहाँ पे वाराणसी में, जो इधर दूर से वहाँ बनारस में मेन हरिश्चंद्र घाट पर नहीं जा पाते हैं, वो यहीं पर मुर्दा जला देते हैं। तो आप देख सकते हैं, और इसकी सुंदरता देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और अभी थोड़ा शाम होगा ना तो और भी अच्छा लगेगा, और शांति कितना है, घाट बन गया है और यहाँ पर बैठने में कितना अच्छा लगता है, जो लोग इंजॉय करते हैं घूमते हैं उनको आपको आके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो इस साइड का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा गाइस, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी दिखाते हैं आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा। तो फाइनली गाइस मैं फूल जो पुराना वाला पुल है वहाँ पर आ गया हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी ये चालू है, और जो नया वाला पुल था वो लास्ट में उधर बनाया गया है अभी कुछ दिन पहले। तो आप देख सकते हैं ये पुराने वाले पुल का निर्माण है, और ऊपर से अभी भी जो बांध देख रहे हैं बांस के डंडे से लगा के बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे कल मेला लगता है बहुत ही ज़्यादा। और इस साइड देखिए एक सीढ़ी भी लगाई गई है ऊपर जाने के लिए, हालाँकि इस पर पानी गिर रहा है तो जाने लायक नहीं है। और देख सकते हैं कितना ऊपर तक ये बना हुआ है, और ये रामेश्वर जो है वो राजाओं महाराजाओं द्वारा ये निर्माण किया गया था मंदिर। और आप देख सकते हैं ये पुल का नज़ारा है, और ये वरुणा नदी है साइड में, और आप उस साइड जाएंगे वहाँ पे तो कुछ देखिए कुछ लोग वहाँ पे नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, और उस थोड़ा दूर और जाएंगे जब तो उस साइड जाने लायक नहीं है, तो वहाँ पर जो है कि चिताएँ जलाई जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये नज़ारा, इधर का मस्त नज़ारा है वाराणसी रामेश्वर जो है गांव, छोटा सा नदी के किनारे बसा हुआ, वहां का मस्त नज़ारा है। तो बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूं। गाइस देख सकते हैं वरुणा नदी वाराणसी में नदी किनारे जो रामेश्वर गांव है वहां पे मैं खड़ा हूँ, और इधर का नज़ारा देख सकते हैं, और मैं फ्रंट कैमरे से भी दिखाया हूँ अपने ब्लॉग में, और वो देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग आपको नदी किनारे नहाते हुए दिखाएंगे, और वहाँ पे चिताएँ देखिए जल रही हैं वहाँ पे जो उस साइड दिख रहा है, और कुछ लोग नहाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे बहुत ही ज़्यादा इधर लोग इंजॉय करते हैं इस नदी किनारे, गाँव वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, और ये नदी किनारे बसा हुआ गाँव है। आप देख सकते हैं जो सूर्य का प्रकाश सीधा नदी में पड़ रहा है, और वहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य वो नदी में से निकल रहा है, आप देख सकते हैं, हालांकि देख सकते हैं ऊपर के साइड सूर्य वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देख लीजिए चारों तरफ से नज़ारा। और इस साइड देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है वहाँ से जब वो उसमें रोशनी पड़ रही है, और ये वरुणा नदी है, बहुत ही बड़ी नदी है वाराणसी की, इसी की नदी के नाम पर वाराणसी का नाम पड़ा था जो है कि वाराणसी काशी, और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है जानते ही हैं आप लोग। तो इधर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है देख लीजिए, और इसकी सुंदरता इस समय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है जब से ये इसके घाट का निर्माण नहाने वाने के लिए बनाया गया है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। और ये देखिए लोग पुराने वाले पुल से आते जाते हुए दिखेंगे, हालाँकि अब फोर व्हीलर वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती जाती है, छोटी गाड़ियाँ उस पर से अभी भी आती जाती हैं। और देख लीजिए मैं लगभग मैं नीचे कितना हूँ, जो ऊपर का एरिया है आपको दिख रहा होगा लगभग 50 फीट
मेरे हिसाब से नीचे आया हूँ और ये नदी किनारे का मस्त नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बता। तो गाइस अभी निकल चुके हैं हम अपने घर के लिए और आप लोगों के इधर का नज़ारा कैसा लगा? बहुत ही फेवरेट जगह ये हमारी अब हो गई है और कुछ दिनों बाद भी हम इसका नज़ारा जब फिनिशिंग होगा तो दिखाएंगे लाके। तो अगर आई होप कि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फुल वॉच करना और कमेंट भी करना। तो अभी हम घर के लिए निकलते हैं और फाइनली देख लीजिए इधर का नज़ारा आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।